जय श्री राम साथियों, सत्य सनातन धर्म की जय। जैसा कि आपने हमारी पिछली दो वीडियो में देखा होगा कि पूजित अक्षित कलश वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के उपलक्ष में आज हम सभी फिर से इकट्ठा हुए हैं और साथियों आज हम संतोष नगर जाएंगे। तो बस थोड़ी देर के बाद हम यहां से निकलेंगे और वैसे ही बारी बारी से सभी भक्तों के घर जाएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय सियाराम। जैसा कि साथियों आपने देखा कि प्रभु का नाम लेकर वितरण की शुरुआत हमने आज नगरी शिव मंदिर से ही की। बस अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आज हम पहले संतोष नगर जाएंगे। श्री राम, जय श्री राम। तो लीजिए साथियों, अब हम सभी संतोष नगर पहुंच चुके हैं और सभी भक्त स्वागत के लिए तैयार हैं। और ऐसा कुछ व्यू है संतोष नगर का, जो स्थित है घाट रोड नगरी डोडा में। साथियों बीच बीच में काफ़ी कठिन रास्ता था, लेकिन उसके बावजूद भी सभी कार्यकर्ताओं का यही प्रयास था कि सभी भक्तों के घर पहुंच के सबको
ये अवसर प्राप्त हो और सबकी यही कोशिश थी। साथियों, सब ने सोचा कि एक बार इकट्ठे सभी फोटो ले लें और अभी हम हमारे कार्यकर्ता बबलू जी के घर पर हैं और कलश वितरण के बाद बबलू जी ने सभी श्रद्धालुओं को, सभी कार्यकर्ताओं को खीर खिलाई और साथ में पानी भी पिलाया। हम बबलू जी का और उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते इतने मान और सम्मान के लिए। साथियों, थोड़ी सी सेवा हमने भी कर ली और बबलू जी की थोड़ी सी सहायता की सभी भक्तों के बीच जाकर खीर बांटने में। तो साथियों, खीर खाने के बाद अब हम वहाँ से निकल चुके हैं और अब इसके बाद हम परमास जाएंगे। साथियों, परमास के लोग भी काफी खुश थे और बड़े भव्य तरीके से कलश का सबने स्वागत किया। साथियों, परमास से लौटने के बाद अभी हम लावर नगरी में पहुंच चुके हैं और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का।
तो जैसा कि साथियों यहाँ भी लोगों ने बड़े मान सम्मान के साथ कलश का स्वागत किया और अब हम यहाँ से वापस नगरी शिव मंदिर लौट रहे हैं। तो जैसा कि साथियों अब हम वापस नगरी शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं। साथियों हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।